लिखा है एक ज़ईफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बशहीर के है सारे ज़माने में। वो सुनती थी उबुल की लाज की तजलील करता है, वो अपने हक के फरमाने की यूं तामीर करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, हुबुल के पाँव पर सर रख के उसने यूं दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आजकल मैं रंज सहती हूँ। वो गम ये है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे जमाने में। मिटा दो उसकी हस्ती तो न ले फिर कोई नाम उसका, जिगर छली हो जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई। ज़ईफ़ा को खुशी थी अब उबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद भर आई, दुआ करके उबुल से अपने दिल में खूब पछताई, दुआ करके उबुल से अपने दिल में खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोच लिए खुद ही घर आकर, के छोड़ूंगी बस्ती में रहूंगी और कहीं जाकर। गरज एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठड़ी ली, निकल कर घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ईफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है, उसको क्या खबर थी कि खुदा का नूर मिलता है। फरीजा सुबह हका करके आधा सरकार दो आलम, चले जाते थे काबा की तरफ वो रहमते आलम। जलों में आग के शमसों कमर मालूम होते थे, पाए तस्लीम सजदे में सजन मालूम। ये पुरा नहीं है मैडम, नाथ रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या नाम क्या है? शुएब। मैडम सुन के। कोई बात नहीं,